बिहार के वैसे खिलाड़ी जो प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत कर लाएंगे उन्हें बिहार सरकार नौकरी देगी। शनिवार को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह ऐलान करते हुए कहा कि बिहार सरकार मेडल लाओ और नौकरी पाओ का ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है जिसमें मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे बिहार सरकार में नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बिहार में 81 लोगों को सरकारी नौकरी में खेल के जरिए अधिकारी बना रही है। दरअसल बिहार सरकार वैसे खिलाड़ी जो राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतते हैं उन्हें सीधे नौकरी देती है। इसके लिए अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने के आधार पर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में नौकरी मिलती है। कि जो मेडल लाएगा वो नौकरी पाएगा, तो आई एम रियली हैप्पी कि जो बेरोजगारी जो दुश्मन है आज के डेट में पढ़ लिख करके भी लोग नौकरी नहीं पा पाते हैं, डिग्री रहता है लेकिन नौकरी नहीं रहता, जो हमारे सोसाइटी की जो समस्या है वो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और टू प्रमोट आवर स्पोर्ट्स इन आवर स्टेट हम लोगों ने पॉलिसी लाई है और इसकी शुरुआत की, और अभी यहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हेड बैठे हैं रविंद्रन जी, अभी हमारी बात हो रही थी, तो वी हैव चूज 81 स्पोर्ट्स पर्सन जिनको हम नौकरी नहीं दे रहे बल्कि अधिकारी बनाने का काम करेंगे, मेकिंग देम ऑन ऑफिसर। बीडीओ बन रहे हैं कोई, इंस्पेक्टर बन रहा है कोई, सब इंस्पेक्टर बन रहा है, तो जल्दी उन सभी लोगों को भी ज्वाइनिंग लेटर हम लोग देंगे। ये माहौल जो है हर स्कूल में दिखना चाहिए, खासतौर पे बिहार के ग्रामीण इलाके जो है, जो रूरल एरियाज जो है, ये माहौल वहां भी बने। फॉर दैट फॉर पुअर पीपल ऑल्सो गेट दे हैव राइट टू एजुकेशन, दे शुड ऑल्सो गेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दैट्स व्हाई वी द स्टेट ऑफ बिहार, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार has recruited almost 1,22,000 teachers in one day. So you can say we have given them a joining letter in one day. And that is an achievement never had happened in an entire country, in an entire history of any government, which we have been doing it. And still we have Still, we believe that we need to work a lot. Who came, who approached me and invited me for this annual sports day. And I'm feeling so great. And I was being over here, it makes you throw in a back old days memories, sweet memories. जहां आपको लगता है कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आप भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट किया करते थे। आई वाज आल्सो यहां, और माता पिता है, पेरेंट्स है, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई मत करना। नाउ आई रियलाइज कि भैया डिग्री ले लेनी चाहिए। हम तो दो दो सीएम के बच्चे रहे, लेकिन फिर भी चाहते तो डिग्री मिल ही जाता, लेकिन हम ऑनेस्टी से काम किए। दो दो मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं, लेकिन हमने नहीं लिया। पर आप लोग पढ़िए लिखिए, खूब खेलिए, तरक्की कीजिए, और माता पिता से कहेंगे, अब तो पुराना वाला कहावत नहीं चलेगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। यह पढ़ाना नहीं है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया और स्पोर्ट्स का जमाना है, और कोरोना के बाद आफ्टर कोविड यू नीड टू गिव योर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन शुड ऑल्सो फोकस नॉट ऑन आईफोन्स और टैबलेट्स, दे शुड ऑल्सो गो टू द प्ले ग्राउंड एंड प्ले आउटसाइड।